वरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज साड़ी का अस्तर बता रहे आपको, जिसको ऐसा बनाने नहीं आता डिजाइन वाला। हाँ, घर में गोदरी ओढ़ने की रहती है तो उसके लिए साड़ी का अस्तर बनाती है। देखो साड़ी का अस्तर बनाती है, लेकिन साड़ी ज़्यादा पहनी भी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी नवी या एकदम नवी चाहिए, या थोड़ी दो चार बार पहनी भी चाहिए तो चलती है। तो ये इसी साड़ी लेने की, एकदम मजबूत, एकदम अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसी। हाँ, एकदम एकदम, ये देखो ऐसी फटेगी नहीं ऐसी साड़ी लेने की, तो टिकाऊ गोदरी बन जाती है, अस्तर बन जाता है। हाँ, ये देखो हमने वो किसी को नहीं बनाने आता उसके लिए मैं बता रही है अस्तर का, कि ये क्या करने का, ये बीच का जो ये पूरी साड़ी है ना, इसको क्या करने का, ये ऐसा है। देखो एक हाथ, एक हाथ का मतलब यहाँ से एक इंच से ले के ये देखो 18 इंच तक एक हाथ होता है। ऐसे चार हाथ लेने की, बीच में लगाने के, लंबाई में चार हाथ लेने की। और साड़ी का तो जो ये रहता है ना माप, ये देखो जो लंबाई चौड़ाई, उसमें से काटने के लिए बिल्कुल, ये देखो ये चौड़ाई में काटने के लिए बिल्कुल, और ऐसा माप लेने का 18 इंच एक हाथ, एक हाथ मतलब 18 इंच, ऐसा चार हाथ लेने की। और फिर उसके ऊपर ये संजाव, संजाव कैसा लेने का, ये देखो संजाव भी अब अच्छा लेने का। देखो हम बता रहे आपको, अब ये संजाव कितना इंच का लिए हमने, ये देखो 11.5, देखिए 11.5 इंच का संजाव लिए, लंबाई में तो जितना लगेगा उतना। हाँ, ये थोड़ा 13 दिख रहा है, तो देखो काटने में मिस्टिक भी होती है, आपको बता रहे, उसको सीधा करने का है, थोड़ा 13 बना था ना, सीधा करने का। अभी हम इसको जोड़ने का बता रहे और क्या करेंगे, इसको कोने काटेंगे। तो जो संजाव है ना, ये देखो बाकी की साड़ी रहती ना, वहाँ से निकालने का, बाकी बच जाती साड़ी तो उसमें से निकालने का, मतलब 5 हाथ की गोदरी होने के लिए ऐसा इतना लेने का। अभी ये देखो, ये हमने ये देखो ऐसा कोना साढ़े ग्यारह इंच का कोना लिए, अभी वो कोना चौकन उतना ही लेना, ये देखो ये देखो, ठीक है ऐसा ले लेना। ऐसा हमने चौकर में कोना काट के रखी है, 8 कोने लगते हैं। हाँ, एक तरफ 4, दूसरी तरफ 4। अभी इसको क्या करने का, उल्टा सीधा देखने का, और सीधे पे लेने का। ये देखो ये सीधा है कि ये सीधा, ये सीधा है ये उल्टा है, तो क्या करने का, ये सीधी सीधी सिलाई, सीधा कपड़ा लेने का साड़ी का। और इसको मतलब अगर 11 गोदरी देते हैं तो उसमें से 2 गोदरी ऐसी भी देते हैं, मतलब नवी साड़ी की देते बना के, और बारीक धागा बढ़ते उसमें 2 गोदरी। तो सब लोग मतलब कोई डिजाइन वाला पूरी 11 देते हैं, कोई 11 देता, कोई 21 देता है गोदरी, लेकिन अभी के ज़माने में 5, 7, 9 ऐसा देते। हमारे ज़माने में जितनी चाहिए उतनी, क्योंकि कपड़ा सस्ता था, और बनाने वाले सब रहते थे इसलिए। अभी देखो, अभी इसको पहले लंबाई में ये संजा जोड़े, ये देखिए, हाँ ये लंबाई में संजा लग गया। अभी क्या करेंगे इसको, अभी हमने काटे जितना मंगता उतना लिए, काट कर इसको अभी इसमें एक कोना लगा दो, उल्टा सीधा देखने का बराबर। हाँ, ये देखो देखो उल्टा सीधा देखे, अभी ये कोना लगा, लेकिन इसको बारीक बारीक सियेंगे ना, ऐसी नवी साड़ी लेके संजाब लगा के बारीक सियेंगे ना, तो ये सालों साल गोदरी टिकती है। मेरी लड़की की शादी में दी थी मैं ऐसी गोदरी, तो अभी तक उसके पास है, और उसकी लड़कियां बल्कि 2 लड़कियां में से एक की शादी होके गई, मतलब अभी 19 साल की लड़कियां हैं, 19 साल, तो 20 साल शादी तो हो गई, लेकिन वो गोदरी ख़राब नहीं हुई अभी तक, क्योंकि बारीक सियेंगे ना हाथ की सिलाई से, तो अच्छी एकदम मस्त बनती है, टिकाऊ बनती है। देखिए अभी कोना लगा दिया हमने, अभी क्या करेंगे, उल्टा सीधा देखेंगे, और ये देखो कोना लगा दिया, तो
कैसा कोना लगाएंगे देखेंगे पहले, इधर सिलाई की सिलाई आती क्या देखेंगे बराबर इतना भाई, ये देखो इतना बचता है तो उसको काट काट डालेंगे। अभी देखो उसको ऐसा रख के लंबा चौराई की सिलाई में एकदम इजी रेशमी लोग सारी या कॉटन की लोग, हाँ हमने रेशमी लिए हैं, कॉटन की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ कॉटन की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन टिकती दोनों अच्छी टिकती है, कॉटन की बल्कि गर्मी में अच्छी रहती है, और ये क्या मालूम है रेशमी है लेकिन टिकती ज़्यादा है, क्योंकि कॉटन की ज़रा धो धो के पटती है ज़्यादा, और ये रहती है रेशमी का अच्छी साड़ी रहती है अच्छी ज़्यादा पैसे वाली भारी वाली, तो वो अच्छे से टिकती है। देखिए ये चौराई में मारेंगे एकदम फर्स्ट क्लास एकदम ईजी। हाँ ये देखो चौराई भी हो गई। हाँ अभी क्या करेंगे, चौराई में ये ऐसा ही रखेंगे, वापस संजाब लेंगे और इस संजाब बोलते हैं इसको, हाँ इसको संजाब लेंगे, इसको कोना लगा कोना हमने काट के रखी चार को उल्टा सुल्टा देखेंगे और कोना लगा देंगे। अभी देखो जो सीधा रहेगा ना मतलब अच्छा दिखता रहेगा ना अंदर लेने का, मतलब ये उल्टा सी रहे ना आपको सिलाई बाहर आ जाएगी, मतलब सिलाई अंदर जाना चाहिए ना इसके, एकदम इजी है। ऐसा तुम लोग भी बनाओ, अपने माँ बाप की हेल्प करो, बनाने का रहेगा तो मेरे को बोलो, मैं पैसा लेके कम ज़्यादा करके इसमें तो एकदम देखदम तुम्हारा कपड़ा रहेगा तो खाली मेरी सिलाई रहेगी इसमें, एकदम इजी है मैं बना के दूँगा। देखो अभी क्या करेंगे, इसको इधर सिलाई की सिलाई रख के ये देखें, अभी इसको ये देखो अभी इसको सिलाई मारेंगे, मतलब ये चौड़ाई लंबाई बताए चौड़ाई बताए, अभी दूसरी चौड़ाई ये देखो कितना अच्छा फर्स्ट क्लास अस्तर बना, सारे पांच हाथ समझे मतलब 6 फुट का अस्तर बन गया। देखिए कितना अच्छा कोना भी दिख रहा है और ये देखो संजा भी दिख रहा है और कितना अच्छा अस्तर बन गया, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसा उल्टा करेंगे, ऐसा उल्टा करेंगे और दूसरे को एक को सीधा करेंगे, इसके अंदर बीच में जूना कपड़ा डालेंगे, जूना कपड़ा डालेंगे और एक ऊपर से ये अस्तर ओढ़ेंगे सीधा। अभी क्या करेंगे, सीधा का अस्तर ओढ़ेंगे ना, नीचे का उल्टा है, नीचे का उल्टा है ये। हाँ। अभी हम सीधा रखेंगे, सीधा रख दिए, बीच में जूना कपड़ा डालेंगे, बड़ी बड़ी साड़ियाँ डालने की या तो पेटीकोट डालने का, लुंगी डालने की, छोटे छोटे कपड़े डालेंगे ना तो अंदर गुंडल जाते, तो धागा भी नहीं अच्छा आता और अच्छा भी नहीं दिखता। अभी ये नीचे वाला है ना इसको ऐसा मोड़ेंगे, इसको ऐसा मोड़ेंगे, फिर ये ऊपर वाला है ना इसको ऐसा मोड़ेंगे और फिर ऐसा मोड़ेंगे और ये ऐसा करेंगे है? और इसको ऐसी मोली मारेंगे, ऐसी हाथ से हाँ सिलाई मारेंगे चारों तरफ ऐसी सिलाई मारेंगे और फिर बीच में हाथ से सियो या मशीन से सियो, हाथ से नरम गोदरी बनती है और इसके एकदम नरम बनेगी, हाँ एकदम नरम, और ये हाथ से नरम बनती है और मशीन से करप बनती है। इसके लिए आप जैसा भी सियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, हम इसी तरीके से आपको बता रहे वैसा बनाओ, नहीं बनाने का है तो ऑर्डर दो मेरे को, हाँ मेरा नंबर यूट्यूब पे हमेशा डालते हैं और है भी है, मैं है किचन में मेरा नंबर है और अभी कोकरी कल्चर में भी नंबर मैंने डाली हूँ।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।